एपिसोड 189 टीच यू सिंगिंग। मुक्ति बहुत कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। उसने ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सातों यूजलेस टीममेट्स विधि को हरा नहीं पाएंगे। वो इरिटेटिंग लड़की अभी भी स्टेज पर अपना सिर उठाए बड़े ही काम और कंपोज तरीके से खड़ी हुई थी। वो थकी भी नहीं लग रही थी और उसकी स्मूथ स्किन अभी भी शाइन कर रही थी। उसके शरीर में पसीने की एक भी बूंद नजर नहीं आ रही थी। ये कैसे पॉसिबल था? सिंगिंग तो बहुत मेहनत वाला काम माना जाता था। वो ये काम इतने स्किल और ईज के साथ कैसे कर सकती है? शायद वो दिखावा कर रही होगी। मुक्ति ने एक बार फिर से खुद को अश्योर किया। उसने अपनी मुट्ठियों को बीच लिया और स्टेज पर जाते समय उसने अपने चेहरे पर अपनी सबसे इनोसेंट स्माइल सजा ली। अपने रीबर्थ के बाद विधि ने उसे दूसरी बार देखा था। अपनी इस बदमाश बहन को फेस करते हुए वो सोच रही थी कि न जाने अब वो कौन कौन सी चालें चलने वाली है। विदुषी, आप मेरे लिए गाना चूज करेंगी? मुक्ति ने बहुत डेलिकेटली कहा। उसके एक्सप्रेशन देखकर कई लोगों पर उसका बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ा था। मिस विदुषी, बेहतर होगा कि आप मिस मुक्ति को ज्यादा परेशान ना करें। होस्ट ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा। आइडियल सी परफ्यूम और मिटियोर विंग्स की रिलीज के दौरान आप दोनों का एक मैच हुआ था। उस समय मिस विदुषी शर्मा ने शानदार जीत हासिल की थी। तो क्या मिस विदुषी एक बार फिर से इतनी ही परफेक्ट जीत हासिल कर पाएंगी? मुक्ति का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उस होस्ट को वाकई में पता था कि किसी को उसकी गलतियां कैसे याद दिलानी चाहिए। विधि ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती एक स्माइल लाकर कहा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या मुक्ति फिर से बीमार होने का नाटक करेंगी। पिछली बार ये न्यूज कि मुक्ति दिल की बीमारी का नाटक कर रही है जरूरत से कुछ ज्यादा ही फैल गई थी, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन खराब हो गई थी। अगर उस समय उत्कर्ष अपने देश में लौटकर द बटरफ्लाई की तरफ शिफ्ट नहीं करता तो उसका करियर कब का खत्म हो जाता। वो तो चेतन की इतनी जबरदस्त पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटीज की वजह से उसके ज्यादातर फैंस ने उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि वो विधि की प्यारी छोटी बहन थी। अब मुक्ति ने खुद को डिफेंड किया। उस समय मेरा दिल सचमुच में अनकंफर्टेबल था। डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन होने की वजह से मेरे दिल की बीमारी की तरह सिम्टम्स दिखने लगे थे। ये स्टेटमेंट उसके पब्लिक रिलेशंस टीम ने भी रिलीज किया था। ये इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने पता लगाया था कि जब लोग इमोशनल तौर पर अच्छा फील नहीं करते हैं तो कुछ लोगों में ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं जो दिल की बीमारी की तरह लगने लगते हैं। कुछ लोगों को कोई फोबिया हो जाता है, किसी को हिस्टीरिया और किसी को स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स। ये सारे सिम्टम्स वाकई में किसी को भी दर्द महसूस करा सकते हैं, लेकिन अगर कोई मेडिकल चेकअप के लिए क्लिनिक जाए तो उसका कोई खास नतीजा नहीं निकलता है। जब पब्लिक रिलेशंस टीम ने ये बात जानी तो उन्होंने राहत की सांस ली और इन अनक्लियर सिम्टम्स को मुक्ति की मेंटल इलनेस के सिम्टम्स के तौर पर नोट कर लिया। एक्चुअली ये एक माइल्ड मेंटल इलनेस थी, जो कि एक साइकोलॉजिकल वीकनेस का एक्सप्रेशन था। ना चाहते हुए भी मुक्ति को इस बात को एडमिट करना पड़ा था। जो लोग स्टिमुलेशंस को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं उन्हें फ्रजाइल इमोशंस के लिए जाना जाता है, जो एक बदमाश होने और दूसरों पर दोष मढ़ने वाली लड़की होने की रेपुटेशन से कहीं ज्यादा बेहतर था। ऐसे में जब भी वो ऐसा फील करती तो वो अपनी इस बीमारी का बहाना बनाकर मौके का फायदा उठा सकती थी। विधि भी जानती थी कि हकीकत में उसे वो बीमारियां नहीं थी, इसलिए उसने कहा, आपको बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन हुई थी। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं कि अगर इस बार मैं फिर से जीत जाती हूँ तो क्या ये टू मच स्टिमुलेशन के तौर पर गिना जाएगा। स्टेज के सामने बैठे ऑडियंस में से कुछ लोग हंसने लगे। इस मुक्ति को वाकई में जरा भी शर्म नहीं आती है। उसे क्या लगता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि वो मेंटली वीक है। उसने तो अभी तक गाया भी नहीं है और आते ही उसने ये सोचकर पहले से ही अपना ट्रम्प कार्ड खेलना शुरू कर दिया ताकि विदुषी उसे जीतने की हिम्मत ही ना कर सके। बिल्कुल सही, उसके पास ही विदुषी का एक फैन था। उसने अपने हाथों का इस्तेमाल लाउडस्पीकर के तौर पर किया और जोर से चिल्लाया, गो फॉर इट विदुषी, उसे खत्म कर दो, क्रिएट अ मिरेकल एंड ब्रेक द रिकॉर्ड। हाँ हाँ, उसे खत्म कर दो, दिखाओ अपनी आवाज का जादू और रिकॉर्ड तोड़ दो। ऑडियंस में से कई लोग उसे चीयर करने लगे। उसके बाद चारों तरफ से लोग खड़े होकर विदुषी के फेवर में चीयर करने लगे। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मुक्ति के कुछ फैंस ने गुस्से में आकर चीयर करते हुए लोगों को फटकारना चाहा।
मुक्ति का शरीर हमेशा से ही काफी वीक है, लेकिन फिर भी आप उसे प्रोवोक कर रहे हैं। ओह, अगर वो इतनी वीक है तो उसे इस कॉम्पिटिशन में शामिल होना ही नहीं चाहिए था। मेंटल इलनेस आखिर मेंटल इलनेस होती है, उसे घर जाकर अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, इसके बजाय उसे अपनी हेल्थ इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तुरंत किसी ने जवाब दिया। मुक्ति के फैंस इतने गुस्से में आ गए थे कि लग रहा था जैसे वो अभी रोने वाले हैं। अचानक मुक्ति की भी आंखों में आंसू आ गए और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ बहुत ज्यादती की गई हो। मुझे तो अभी शानदार जीत मिली भी नहीं है, लेकिन इनकी हालत पहले से ही ऐसी हो गई है। विधि हल्के से मुस्कुराई और होस्ट की तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे थोड़ी हेजिटेशन हो रही है। क्या मुझे सीधे अपनी हार मान लेनी चाहिए? अगर मैं जीत गई और अगर इनकी दिल की बीमारी फिर से बढ़ गई, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? जिस तरह से विधि ने मुक्ति का मजाक बना दिया था, उसे देखकर मुक्ति बहुत गुस्से में थी, लेकिन इस समय वो अपने गुस्से का कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने सिर्फ इतना कहा, विदुषी प्लीज गिव इट योर बेस्ट शॉट, कम से कम अपने कॉम्पिटिटर को आप मिनिमम रेस्पेक्ट तो दे सकती हैं। मेरा बेस्ट शॉट? मुझे डर है कि आप इसे नहीं संभाल पाएंगी, विधि ने एक हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया। मुक्ति को लगा जैसे अब वो गुस्से में फटने वाली थी। उसने कहा, मैं इसे संभालूंगी। तो फिर ठीक है, ग्लास फिंगर टिप्स और मेटियोर विंग्स, आप दोनों में से ऐसा सॉन्ग चुन सकती हैं जिस पर आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, और प्लीज अपने आप को रोकिए मत। वो जानबूझकर मुक्ति को खुद को बेवकूफ बनाते हुए देखना चाहती थी, इसलिए उसने उसे एक स्पेसिफिक सॉन्ग चूज करके नहीं दिया, जैसा कि उसने अपने दूसरे अपोनेंट्स के लिए किया था। अगर ऐसा हुआ तो मुक्ति के पास मेटियोर विंग्स पिक करने की हिम्मत कैसे होगी? अब तो हर कोई जान गया था कि मेटियोर विंग्स को गाना ग्लास फिंगर टिप्स को गाने से ज्यादा आसान था। अगर मुक्ति ने मेटियोर विंग्स चुनने की हिम्मत की, तो ये साबित हो जाएगा कि उसे कॉन्फिडेंस नहीं था और उसमें कैपेबिलिटी की कमी थी। विधि ने ओपनिंग सेरेमनी के दौरान मेटियोर विंग्स के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी और आखिर में ये काम आ गया था। मुक्ति को जैसे अपने दिल में अंदर ही अंदर एक चोट सी लगी। उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझे ऑप्शन देने के बजाय आपको मेरे लिए सॉन्ग चुनना चाहिए। नहीं, मैं आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करूंगी, विधि हंस पड़ी। अगर आप थोड़ी देर में डिसाइड नहीं कर सकती हैं, तो पहले मैं गा सकती हूँ। इसके अलावा मैं आपको सिखा भी दूंगी कि गाना कैसे है। क्या? मुक्ति को सिखाओगे कि कैसे गाना है? कॉम्पिटिशन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन वो पहले से ही इस तरह के एरोगेंट वर्ड्स कह रही थी। उसका कॉन्फिडेंस कितना स्ट्रॉन्ग था। बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब विदुषी, ऑडियंस में से आवाज आई, विदुषी मुक्ति को खत्म कर दो। स्टेज के नीचे से उसके कई सारे फैंस खुशी से एक्साइट होकर चिल्ला रहे थे। मुक्ति की हालत करीब करीब रोने जैसे हो गई थी। वो लोग ऐसे क्यों थे? वो तो इस इरिटेटिंग लड़की से सिर्फ एक ही बार हारी थी, हर कोई उसके अगेंस्ट क्यों होने लगा था? मैं ग्लास फिंगर टिप्स गाऊंगी, उसने जिद के साथ कहा और अपनी हार मानने से इनकार कर दिया। मैं ग्लास फिंगर टिप्स गाऊंगी, इसके बाद पछताना नहीं। विधि ने अपने चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान बनाए रखी। वो जानती थी कि मुक्ति इन दोनों गानों को अच्छे से नहीं गा सकती है। मुक्ति नेचुरली काफी वीक थी और वो सांस नहीं खींच पाती थी। वो ऐसे गाने नहीं गा सकती थी जिनमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ और स्टेमिना की जरूरत पड़ती है। फिर क्या था, जिस तरह से मुक्ति ने ग्लास फिंगर टिप्स गाया था, वो बहुत मुश्किल से ही एक्सेप्ट किया जा सकता था। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और उसमें किसी खास चीज की कमी थी। जिस तरह से इन्होंने गाया है वो एकदम एवरेज है, स्टेज के नीचे एक ऑडियंस ने डिसअपॉइंट होकर कहा। क्या सचमुच में वो दीवा विधि की छोटी बहन है? इसमें तो अपनी बहन के सिंगिंग टैलेंट का आधा हिस्सा भी नहीं है। एग्जैक्टली, ऑडियंस में से एक और इस बात से अग्री हो गया। बहुत अफसोस की बात है। ऑडियंस में अभी भी बातें चल रही थी, अभी भी विदुषी ही बेहतर सिंगर है। इसके अलावा क्या आप लोगों को पता है कि विदुषी के पास दीवा का चार्म भी ज्यादा है? बिल्कुल सच है, ऑडियंस में से कई लोगों ने अग्रीमेंट में अपना सिर हिलाया। स्टेज पर मुक्ति इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी कि वो मर जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ खड़ी मुस्कुराती रही। विदुषी, अब आपके गाने का समय है। जब उसका हर एक कॉम्पिटिटर अपना गाना खत्म कर लेता था, तो उसके बाद ये इरिटेटिंग लड़की उसको जमकर क्रिटिसाइज करती थी और उन्हें एम्बैरेस फील कराकर स्पीचलेस कर देती थी। इसलिए अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपना मुंह बंद रखेगी और इस इरिटेटिंग लड़की को बिना कोई कमेंट किए सीधा गाने देगी। मुक्ति खुद को एम्बैरेस नहीं करना चाहती थी।
विधि ने उसकी कोशिश को देखा था, लेकिन उसका उसे कभी भी क्रिटिसाइज करने का कोई इरादा नहीं था। विधि ने अपने पिछले कॉम्पिटिटर्स को कुछ क्रिटिसिज्म जरूर दिए थे, उसकी बात में कुछ मजाक भी था और कई बार उसने सीधे टू द पॉइंट बात की थी। अगर वो सुनने के लिए तैयार हो तो उन्हें इससे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन मुक्ति के लिए अपनी पिछली जिंदगी में पहले से ही विधि एक अच्छी इंसान थी और उसका अपनी जिंदगी में उसकी मदद करते रहने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी मैं अभी आपको सिखाऊंगी कि गाना कैसे गाते हैं। वो मुक्ति को देखकर मुस्कुराई, अपनी लॉन्ग स्कर्ट को ग्रेसफुली लहराते हुए माइक्रोफोन उठा लिया। साथ में चलने वाला म्यूजिक एक बहते पानी की तरह लग रहा था।